हम इस वक्त ग्राम बैसड़ोपुर रह चुकी राम कुमारी, जो सन 2002 में ग्राम प्रधान विकासखंड बहादुरपुर से रह चुकी हैं, प्रधान संघ की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, और फिर 2010 में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं कुदरा ब्लॉक से, वार्ड नंबर 81 प्रथम से। लगभग उम्र है इस समय 60 वर्ष, और 2021 में ग्राम प्रधान पद पे अपने बेटे चंद्रभान यादव को चुनाव मैदान में उतार रखी थी, जो बहुत कम वोट से, यानी 65 वोट इनवैलिड इनका कर दिया गया और 59 वोट से इनको चुनाव हरा दिया गया। दूसरे नंबर पर इनके बेटे ने रहे, और ये मान के चलिए कि चुनाव में इनका कहना है कि बेईमानी भी हुआ है हराने में, हमें हराया गया जानबूझ करके। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस समय 2022 विधानसभा चुनाव भी चल रही है और आप यहाँ के प्रतिष्ठित और सम्मानित महिला हैं। हमार मजबूरी बाई कि भाई है, जब हम केहू कुछ कह नहीं पाए, जनता के हम कोनो चीज सरकार से कह नहीं पाए, ते लिए हम सरेंडर बैठे हैं अपने घर करते। भाई जनता, गरीब जनता बा, उके काम चाहिए, साढ़ भैसा चाही नहीं चर डाल नहीं 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 चर तो रहे, फसल का नुकसान तो हो रहा है, सब जगह हो रहा है, तब जहाँ ये सब खुले पछु, अब साढ़ भैसा के नाते बहुत नुकसान है। लेकिन इस समय चुनाव चल रहा है तो किसी प्रत्याशी की तरफ है झुकाव, किसी पार्टी की तरफ है? अभी तो हमारा किसी से बात नहीं हुआ, हम तो भाई देखा पुरान प्रत्याशी अभी तक आए नहीं, पुरान माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ थे और आज भी दिल में वही हैं, दिल में तो वो नहीं है। लेकिन जो हमारे बस्ती जिला के कुछ नेता हैं नए लंदन में, उनसे मेरी एलर्जी, इसलिए मैं अपना सिलेंडर बैठा हूँ। और एक दिन हऊ बसपा के एठू मेहरारू आए रही वहाँ पार के अरे का नाम है लक्ष्मी चंद खरवार, हाँ उनकी पत्नी। अब भाई नमस्ते दुआ कह ली हम, और एक दिन दूध रामो बहू आए रही। अच्छा, तो उनसे तो हम कहें कि हमारे पति एक्सपायर हो गए और आपके घरे मेरा कार्ड गया, आप मेरे दरवाजे पर कोई परानी नहीं आया, तो हम आपके साथ कैसे हो सकते हैं? खुला आपको मैंने वोट दिया, पूरी दुश्मनी मेरे ऊपर हो गया महिला नाते, आवाज़ कैसे हम वोट देंगे भाई? कहना है मैं समाजवादी से टिकट मिलत बा, हम कहें टिकट मिलत बा तो भाई अब क्लियर हो तो अब बाद में सोच जाइए। चलिए अच्छा, अगर आपको अभी तो संशय है आप किसकी मदद करेंगे चुनाव में? अभी हम आत्मा में अपने क्लियर नहीं किए, राम प्रसाद के वहाँ जो है मिला है वहाँ कप्तानगंज, वो तो हम चाह रहे हैं कि वो जीत जाए, राजेंद्र चौधरी मिले जीत जाए। अच्छा अच्छा, ये सब तो हम चाह ही रहे हैं। उस पार में लाल जी वर्मा जीत जाए। सदर भाई देवे ना कंफर्म हो? सदर में अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं ना, यहाँ का ही कंफर्म आपका महादेवा विधानसभा। जैसा हम लोग ही सोच रहे हैं कि रामकरण आर्या चाहे तो हमारा पटता नहीं है, क्योंकि वो महेंद्र बाबू बड़ा मदद किए हैं, हमारा बड़ा विरोध किए हैं, लेकिन उनके में यह है कि माननीय मुलायम सिंह का साथ कभी छोड़े नहीं, दल बदलू नहीं हुए। अगर उनके कोई टिकट पाता है तो हम लोग की मजबूरी है उनको वोट देना, क्योंकि वो नेता के साथ दल बदलू नहीं हुए हैं कि नहीं, ये लिए सहानुभूत उनके ऊपर है। अच्छा अच्छा अच्छा, पार्टी के और नेताजी का परिवार इकट्ठा हो गए हैं, ये नाते हम लोग भी नाराज थे। अब इस समय शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, नेताजी सब इकट्ठा हुए हैं, तो इसलिए सोच रहे हैं कि हम भी गड़बड़ होएंगे हम लोग तो दिक्कत होगा, हो सकता है सरकार बन जाएगा तो उनका भी कुछ हो, जनता का भला हो, हमारा हो या न हो, हमको अपने लिए कोई दिक्कत नहीं।
हम लोग किसान आदमी हैं, खेती करने वाले, अपना खेती करके बच्चों को जिला लेंगे, लेकिन और गरीबी का क्षेत्र में काम हो, सरकार जेकर हो अपने अपने नेता को डांटे कि गुंडागिरी न करावे, ताकि हम लोग क्षेत्र में वोट मांगने लायक रही। हम लोग इसीलिए हैं कि जो लोग सरकार बनने के बाद गुंडागिरी करते हैं उसी में हम लोग की बदनामी होती है, इसीलिए हम लोग झेप खा जाते हैं। एकदम एकदम बहुत सही आपने कहा, और कोई दिक्कत नहीं है। हम का करी सरकार बनने के बाद चार छः लौंडे वहाँ मारपीट करें, वहाँ मारपीट, ये सब अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? एकदम गलत कह रहे हैं, एकदम आपकी बात। सरकार टाइट रहे, अपने अपने नेता को टाइट करें, गुंडागिरी न करें, आसानी से जनता का भलाई करें, जितना शक्ति हो जनता के हित में उसके साथ सबका हित ऐसी होगा, हमारा भले ना हो लेकिन और जनता को हो, जनता होगा तो आपका है? आप जनता से, जनता की भलाई हो, नौकरी चाकरी लागे, गरीब आदमी पढ़ाई लिखाई शुद्ध हो। अब देखल जाए इसमें न पढ़ाई हो रहा है न कुछ हो रहा है, साढ़ पैसा अलग चल रहे हैं, हैं आई कावना है, ये अलग रेट बढ़ गया है, कावना है, सरसों का तेल है, सरसों का तेल रेट बढ़ गया, डीजल पेट्रोल बढ़ गया, आई गैस सिलेंडर बढ़ गया, एक दाई गैस सिलेंडर ज़्यादा चला आई, इसके बाद भाव बढ़ गया, क्या करेगा किसान? जिसके पास एक ही बीघा खेती है, देखिए जिसके पास एक ही बीघा खेती है वो गरीब आदमी के दुए परानी है, तो बतावल जाए खेतवा में जाए कि सूत है कि घरा सूत है, घर एक ठू भैंस पालत में जो कर्ज कुआम लेके तक पिकअप पर लाद के लेके चोर चला जाते हैं, और साढ़े के नाते बचते रहो, गरीब आदमी कितना बल्ली खरीद के रूनी, कितना जिनके सड़वे मार डारिन, यही नाते आत्मा केवल दुख के नाते आत्मा फट गया है कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे राजनीति करूँ, नहीं राजनीति। रामकुमारी तो 25-25 गाड़ी लेकर रैली जाती थी, आज तक किसी नेता से 54 नहीं लिए हैं, अपने पैसरम से, अपने पैसरम से खेती बारी करके लकड़ी गली गली कटा करके कसेरी कटा करके बेच करके इतने पैसरम से गरीबी से पला हुआ और जनता की सेवा किए हैं, और उसके बाद नतीजा है कहीं कुछ नहीं। चलिए देखिए ये बहुत सही बात और राजनीति के प्रधान बतावल जाए, आज प्रधान फूलपुर ग्राम सभा तब एक रहा, तब प्रधान रहन, 5 साल प्रधान रहन, क्यों कह नहीं सकत, राम कुमारी 5 रुपया किसी दरोगा को घूस दिया है, किसी अधिकारी को दिलाए हैं, किसी जनता से नहीं लिए हैं 5 रुपया, अपने पैसरम से काम किए, 5 साल जिला पंचायत रहे, क्षेत्र में पता लगावल जाए, सबके द्वारे में न्योता हकारी करे गए ही केहूस घूस घुसखोरी नहीं किए, पछताव सड़क पुलिया गए राम प्रसाद चौधरी की यहाँ कहन मंत्री जी हम तो जिला पंचायत बनाई दिया गया हम मैं आप लोग, लेकिन हम कैसे लिखी सड़क पुलिया कहाँ मिली, कहन देखिए आज तो बहन जी का सरकार है नहीं, आज सरकार आप कहे शिवपाल सिंह यादव का, मुलायम सिंह का, आप वहाँ जाइए, जितना हमारे क्षेत्र का सड़क पुलिया स्कूल अस्पताल था क्षेत्र का सब लिखवा के प्रस्ताव और ले जाके लखनऊ पंचम तल में दे दिए, आर एस यादव को दे दिए, अखिलेश यादव को दे दिए, शिवपाल यादव को दे दिए, और दे के चले आए, कहे कि हमारा काम हो जाए, हमें ठीका फीका नहीं चाहिए, हैं क्षेत्र में तमाम ठेकेदार लोग काम भइल, बहुत काम भइल, सड़क पुलिया स्कूल अस्पताल का जितना जाल बना है ये सब नेता जी का देन है, शिवपाल यादव का देन है, मानिए अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का देन है, अब उस पर कोई फोटो बदल के अपना इंतजाम करे तो अलग बात है। अब हम महिला पढ़ी लिखी नहीं कितना बोलेंगे भाई, आपने बहुत सही कहा, मेरे दिल में तो मानिए मुलायम सिंह यादव और कोई है नहीं, अब मेरी थोड़ा धन के कमजोरी है कि गाड़ी लेके चल नहीं सकते हैं, मजबूरी है भाई, तेल पेट्रोल कहाँ से लाएंगे, हमारी मजबूरी है, थक गए, हमारा शादी नहीं हुआ था तब से हम हर निशान रहा, चक्र निशान रहा, तब से हम राजनीति करते हैं, अपने नैहरे से सलवार समीच लेके पहर के जात रहे रैली में, वहाँ गोमती नगर रैली में जात रहे हैं, लेकिन केहू बुराई नहीं किए, मायावती जी का भी बुराई नहीं किए, इसलिए कि उनके जमाना में भी ठीक था, हैं
और कांग्रेस के ज़माना में कोई बुरा नहीं था, हमारा समाजवादी पार्टी में नहीं कोई बुरा था, लेकिन इनके सरकार में तो केवल यही सड़वे भैंसा दुनिया परेशान भाई। साण भैंसा अपन बांध लिए, जनता कमाए खाए, करो दिक्कत ना है। चलिए, इस सरकार में सबसे ज़्यादा परेशानी है जानवरों से, जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं, बस इससे फसल नुकसान हो रहा है, इससे तेल पेट्रोल सही कह दें और यही साण भैंसा की व्यवस्था हो जाए, हैं गैस वैस सस्ता करने क्यों ना मौका मिला है, सरकार चेंज कर दीजिए आप लोग, वही तो करना है, इसीलिए तो फांसी हो जाएगा अगर कह देंगे, ये डर है ना, आज कह देंगे तो कल जेल चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, और हमारा पति नहीं है, कहीं हम जेल चले जाएंगे तो कौन लड़कन को ब्याह करे, ब्याह दो तीन टू करे हुए, यह डर लागल न। और आप बताओ जी, अखिलेश यादव तो बढ़िया काम किए हैं, गलत बात। चलिए अच्छा, आप चैनल पे हमारे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब देखिए, अखिलेश यादव ये गधे के गटई में माला डार दें, सिंबल दे दें, तोड़ तो राम कुमारी को उन्हीं को देना है, मेरा वोट ही कटवा दिए हैं। अब बताइए, हमें चुनाव लड़ना था जिला पंचायत, हम सोचे अब कि नहीं टिकट मिलेगा तो हम निर्दल लड़ जाएंगे, हमारे क्षेत्र के लोग 50-50 लोग दरवाजे पावे कि प्रधानिक मारो लात, चलो निर्दल लड़ाएंगे, लेकिन हमारा चैत्रवे खराब कर दिए दरोगा के यहाँ जाके, पता नहीं कौन घूस दे दिया, मेरा चैत्रवे गड़बड़ कर दिए, नहीं बनाए, अब कि हमारा वटवम नहुए नहीं आओ तुम्हें वो का कटवाए, बताइए, प्रधान रह चुके हैं, जिला पंचायत रह चुके हैं, हमारा वोटम नाम नहीं, कटवा दिए सब, अब बताइए, हल्ला कर दिए थे वही ना कि विधायक लड़ेंगे, कोई कटवा दिया चला गया। अच्छा देखिए, इसमें जो निर्वाचन वाला इसमें मतदान है कार्ड वाला, हाँ उसमें देखिए नाम है कि नहीं है, पता करिए। नहीं है, पता नहीं कर चुके। अच्छा अच्छा, अरे हम जवैया रहे कहीं टिकट के लिए, 1 करोड़ रुपया मुझे मिलता था, लेकिन मैंने कहा कि दूसरे के पैसे से कितना नाज करेंगे चुनाव लड़ने को, अपने पास पैसा रहेगा, जनता लोग और लोग देने को कह रहे थे पैसा, लेकिन मेरा नाव ही कट गया। चलिए अच्छा ठीक है, चलिए आप कहने पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए, सपक सरकार बनेगा।